तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी 8 अपडेट होने के बाद यहाँ पर एंड्रॉइड 10 हो गया और उसके बाद वन यूआई 2 भी यहाँ पर मिल गया। जो अपडेट होने के पहले क्या क्या फीचर था और ये जो अपडेट होने के बाद आपको क्या क्या फीचर मिला है, मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, सभी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, इस फोन को मैं जो फ्लिपकार्ट में जो हाल ही में एक सेल आया था तब इसको खरीदा था, अपने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं दिखाए तो ऊपर आई कार्ड में उसका अनबॉक्सिंग वीडियो दे दूंगा, जाइए उसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए और इसका कैमरा टेस्ट भी बनाया था उसको भी देख लीजिए और इसका कॉन्स के बारे में यानी इसका जो डिसएडवांटेज इसका जो कमियां है उसी के बारे में भी एक वीडियो बनाया था उसको भी नहीं दिखाया तो इस वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो सैमसंग गैलेक्सी 8 एंड्रॉइड 10 और वन यूआई 2 अपडेट होने के बाद आपको वहाँ पर कौन कौन सा हिडन फीचर मिलता है इसी को दिखाने के लिए मैं ले चलता हूँ मेरे सैमसंग गैलेक्सी 8 का स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सैमसंग गैलेक्सी 8। सो फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा ये जो फोन एंड्रॉइड 10 और वन यूआई 2 अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, जब आप इस फोन को परचेस करेंगे तब वहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9 देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ वन यूआई जो वन यूआई का पहला वर्सन है वो मिलेगा। अब इंटरनेट के साथ इस फोन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 और उसके साथ साथ वन यूआई 2 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स देखिए इसका जो साइज है आप यहाँ पर देख सकते हो 2044 MB यानी 2 GB के आसपास है ये जो अपडेट। फ्रेंड्स देखिए, ये जो अपडेट में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको अभी बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, वन यूआई 2 और उसके साथ साथ एंड्रॉइड 10, लेकिन फ्रेंड्स जब फोन 2019 में लॉन्च हुआ था तब एंड्रॉइड 9 चल रहा था, तब एंड्रॉइड 9 लेटेस्ट था इसीलिए वहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9 मिलता था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस फोन को लेंगे तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या यहाँ पर फीचर्स मिलता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो आज है 4 जुलाई, लेकिन जो अपडेट किया था देखिए 26 जून को किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज न्यू, ये जो अपडेट में आपको क्या क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले जो मेन बात है यहाँ पर देखिए वन यू आई 2 उसके साथ साथ एंड्रॉइड 10 के साथ यहाँ पर मिलता है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड मिलता है, देखिए बहुत ही सारे एप्लीकेशन में वार करता है, लेकिन पहले इसमें डार्क मोड था लेकिन इसका नाम था नाइट मोड, लेकिन अभी जो डार्क मोड होने के बाद बहुत ही सारे एप्लीकेशन में ये जो डार्क मोड अप्लाई हो जाता है, जैसा कि ईमेल हो गया, बहुत ही सारे एप्लीकेशन में ये डार्क मोड वार करता है। तो उसके बाद जो मेन फीचर आता है वो है इसका, देखिए फ्रेंड्स, एनहांस इमेज टेक्स्ट एंड कलर एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर दिया, देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है डार्केंड वॉलपेपर्स। देखिए जब आप यहाँ पर डार्क मोड अप्लाई करते हैं तो आपको वॉलपेपर में भी थोड़ा डार्क देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आइकन एंड कलर्स, आइकन में भी थोड़ा यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिला। जो मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर है जो इसका जो एनिमेशन, देखिए स्मूथर एनिमेशन। अब देखिए फ़ोन को जैसे भी चला रहे हो तो देखिए कितना जल्दी यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोन चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्विच की कितना फास्ट हो रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो फीचर्स इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख सकते हो ये जो फ़ोन बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है फुल स्क्रीन गेस्चर, अभी यहाँ पर आप बॉटम देख सकते हो, लेकिन ये जो फुल स्क्रीन गेस्चर यहाँ पर आडवा वो क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पे और उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे जाइए, यहाँ पर लिखा होगा डिस्प्ले, आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा, थोड़ा नीचे आइए यहाँ पर दिखाएगा नेविगेशन बार, आपको ये जो नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखिए ये जो की सिलेक्ट होगा और आपको इसको लेफ्ट को आना चाहते हो, ये जो बैक बटन को भी आप ला सकते हो, लेकिन इसका कोई मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है फुल स्क्रीन गेस्चर, आप उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं था, देखिए पहले क्या था आपको बताता हूँ, पहले जो फुल स्क्रीन था वो ये था, देखिए यहाँ पर इसको ऊपर करने से बैक होता था और उसके बाद देखिए और इसको करने के लिए होम स्क्रीन को जाता था और इस स्विच को दबाने देखिए यहाँ पर रिसेंट को जाता था, लेकिन आपको अभी क्या करना है जो स्वाइप है बहुत ही अच्छा गेस्चर मिल गया, जो कि एंड्रॉइड 10 का जो मेन गेस्चर है वही गेस्चर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए स्वाइप टू साइड बटन, देखिए इसको यहाँ पर ये मिल गया, देखिए ये जो बटन एंड्रॉइड 10 का ये मेन फीचर है ये बटन आपको मिल गया।
आपको इसको लेफ्ट को करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैसे कैसे एप्लीकेशन को स्विच करता है, देखिए कितना फ्रेंड्स ये स्मूथ चलता है। ये एंड्रॉयड 10 का सबसे जो मेन फीचर है, ये मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स। इसी गेस्चर को इनेबल कर देने से आपको यहाँ पर फोन में बैक कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट से राइट को स्वाइप करना है, नहीं तो देखिए यहाँ पर राइट से लेफ्ट को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर बैक होगा। देखिए यहाँ पर जो नीचे से आपको ऐसे स्वाइप करके यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो देखिए ये जो यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया। और आप चाहते हो कि डायरेक्ट होम स्क्रीन को दबाने से जो आता है वो कैसे होगा, देखिए डायरेक्ट होम स्क्रीन, देखिए इस तरह कर देने से देखिए ये होम स्क्रीन को चला गया। और इसका जो एनिमेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका जो एनिमेशन फ्रेंड्स। यहाँ पर जो 100 मोड का जो गेसर मिला है वो क्या है अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको सर्च कर देना है 100 मोड, और मैं भी यहाँ पर सर्च कर देता हूँ 100 मोड। और 100 मोड जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर देखिए एक गेसर जैसा है, आप यूज 100 मोड। और देखिए आप बटन के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा बटन इनेबल नहीं है। तो आपको देखिए गेसर में आपको कैसे करना है, आपको 100 मोड देखिए यहाँ पर ऊपर से देखिए आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको बैक कर देता हूँ, देखिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं मान लो यूट्यूब पे हूँ, और देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसी तरह कर दीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 मोड यहाँ पर इनेबल हो गया। देखिए इसी तरह कर देना है, देखिए इसी तरह देखिए अब ये 100 मोड हो गया। आप चाहते हो तो उसको लेफ्ट में लेने के लिए आप इसी को क्लिक कीजिए, और आप इसको चाहते हो तो बड़ा छोटा करने के लिए वो भी आप कर सकते हो। बेटर टेक्स्ट ओवर वॉलपेपर जो कि मैं पहले बताया था, यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ा बोल्ड देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद देखिए मीडिया एंड डिवाइस, ये जो मीडिया एंड डिवाइस है यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल में ये जो ऑप्शन है मीडिया, आप उसके थ्रू जितने भी सारे मीडिया है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी एक ऑप्शन 8वां है जो कि देखिए डिवाइस केयर, अभी मैं जाता हूँ सेटिंग में तो आपको दिखाऊंगा डिवाइस केयर यहाँ पर कैसे वर्क करता है। देखिए सेटिंग को जानने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा डिवाइस केयर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बैटरी, आपको यहाँ पर बैटरी को पावर मोड भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसको दिखने के लिए। और देखिए यहाँ पर स्टोरेज भी है, और उसके बाद देखिए मेमोरी भी है, और उसके बाद देखिए सिक्योरिटी। पहले ये सेटिंग था लेकिन इसका जो इंटरफेस अभी चेंज हो गया है जो कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स देखेंगे और भी क्या क्या अपडेट में कौन कौन सा फीचर अभी ऐड हुआ है वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं और भी क्या क्या यहाँ पर आया है। और उसके बाद जो फीचर ऐड हुआ है वो है बायोमेट्रिक। और देखिए आप अगर स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट रखने के लिए कुछ तो साइन दिखाएगा जो कि देखिए स्क्रीन को मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो देखिए दिखाएगा। देखिए यहाँ पर जो मैं टैप करता हूँ तो देखिए कैसे यहाँ पर ओपन होता है स्क्रीन। देखिए यहाँ पर मेरा ऑफ है फिर भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स देखिए। इसी तरह ये जो अपडेट में ये फीचर भी मिला है। और उसके बाद देखिए डिजिटल वेबलिंग, ये फ्रेंड्स क्या है, आपका फ़ोन को आप कितना टाइम तक यूज करते हो वो दिखाएगा। और उसके बाद देखिए फोकस मोड भी यहाँ पर ऐड हुआ है देखिए। और फ्रेंड्स कैमरे में भी आपको बहुत ही सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, और कैमरा का जो क्वालिटी वो भी एनहांस हो गया, मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर इंटरनेट में भी कुछ अपडेट मिला है जो कि मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। और उसके बाद देखिए कैलेंडर, रिमाइंडर, माई फाइल, कैलकुलेटर, कनेक्टेड कार, टिप्स, इसमें तो इतना कोई अच्छा फीचर्स नहीं। और इसमें और एक फीचर मुझे अच्छा लगा वो क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। आपको पहले यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलता था लेकिन अभी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो दिखा रहा है, देखिए साउंड सेटिंग, यहाँ पर नो साउंड पर आप क्लिक करेंगे तो आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ भी साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेगा। और उसके बाद देखिए मीडिया साउंड, यानी आपका जो इंटरनल साउंड, यानी आप इस मीडिया साउंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोन में जो भी कुछ चल रहा है वो इंटरनल साउंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर जो मीडिया साउंड एंड मिक साउंड है, आपका माइक्रोफोन का साउंड और उसके साथ साथ मीडिया साउंड, ये दोनों साउंड लेगा। और उसके बाद आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आइकन जैसा लग जाएगा, देखिए यहाँ पर एक आइकन चलाया और यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। और आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका कैमरा ऐड करने के लिए वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मेरा कैमरा यहाँ पर ऐड हो गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस तरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और आप चाहते हो कि कहीं पर कुछ को दिखाने के लिए सिलेक्ट करके इसी तरह आप कुछ हाईलाइट करके दिखा सकते हो, जो कि फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा है फीचर लगा। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया तो आपने अभी इसको अपडेट कर दीजिए और बहुत ही सारे फीचर्स मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी 8 का कॉन्स वीडियो भी मैं बना दिया था, और उसके बाद देखिए सैमसंग गैलेक्सी 8 कैमरा टेस्ट और ये जो अनबॉक्सिंग वो सभी वीडियो आपको यहाँ पर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए। मैं कल इसका जो हिडन फीचर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा उसी को दिखाने के लिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो का एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स
आप एक एक लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स अपने इस वीडियो को देखते देखते अभी तक हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स देर किस बात की, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी 80 में जो टोटल इसमें जो हिडन फीचर है, टोटल इसकी फोन का जो प्रोज है उसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।